एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति, उत्तराखंड के छोटे से शहर हरिद्वार से आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाली हूँ। तो गाइस, हम सब रेडी हो गए हैं और मैं अपनी दीदी के साथ ब्लॉग बना रही हूँ। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको मैं कुछ अच्छा दिखाने वाले इस ब्लॉग में। तो हम कहाँ जा रहे हैं तो आपको इसके लिए ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो गाइस, हमने यहाँ पे दो गाड़ी से जा रहे हैं, एक में जाएंगे क्योंकि एक गाड़ी में जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो हमने एक गाड़ी बुक करा ली। तो जिस जो गाड़ी बुक करवाई है तो मैं उसमें बैठ चुकी हूँ और हमने गाने सुन के ब्लॉग बना के बहुत सारी मस्ती करके हम निकल पड़े हैं अपने सफ़र के लिए गाइस। और इस सफ़र में इतना मज़ा आया कि मैं बता नहीं सकती। और मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी बहुत सुंदर सुंदर वादियाँ पहाड़ों की। पहाड़ों से किसको प्यार नहीं होता ना गाइस, सबको होता है ना। तो फिर इसमें आप मैं आपको दिखाऊंगी ब्यूटीफुल पहाड़ देख सकते हैं। पहुंच चुके हैं सुरकंडा मंदिर, जो है एक पहाड़ों के बीच में एक बहुत सुंदर मंदिर। तो ये यहाँ से एंटर होता है गाइस। तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे और मंदिर में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दो रास्ते मिलेंगे, पैदल भी जा सकते हो अगर आपकी इच्छा है, आपका मन हो तो ट्रॉली में भी जा सकते हो। हम तो गए ट्रॉली में क्योंकि हमारे साथ थे बच्चे, बच्चों को पैदल ले जाना पॉसिबल नहीं था, तो फिर हमने ट्रॉली में बैठकर जाना सही समझा गाइस। तो देख सकते हैं ये नीचे का रास्ता है यहाँ से, और यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे अपने सफ़र के लिए माँ के द्वार, माँ के मंदिर गाइस। तो देखो कितने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, घर हैं। और जब हम पहुँचते हैं पहाड़ों में तो बहुत अच्छा फील होता है गाइस। हम फाइनली बैठ चुके हैं ट्रॉली में। तो गाइस, यहाँ से वैसे मैं पैदल जा सकती थी लेकिन हमारे साथ दो तीन बच्चे थे, वो पैदल नहीं जा सकते थे, तो हमने ट्रॉली में जाना ही सही समझा। सही टाइम पे भी पहुँच जाएंगे और हमें दर्शन भी सही टाइम पे हो जाएंगे। तो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे ट्रॉली में बैठने वालों कितनी भीड़ थी। तो हम पहुँच चुके हैं सुरकंडा मंदिर में, जो कि पहाड़ों में एक बेहद सुंदर मंदिर है। जो इसकी बनावट है गाइस बहुत सुंदर है, जो दिखने में बहुत सुंदर लगता है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे पहाड़ों वाली कॉस्ट्यूम में फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं तो वो भी आप खिंचवा सकते हैं। तो फाइनली हमें दर्शन हो चुके हैं माँ सुरकंडा देवी के, तो आपको भी दर्शन मैंने करा दिए हैं गाइस। माँ सबका भला करे, अच्छा करे, सब सुखी रहे, मेरी यही दुआ है गाइस सबके लिए, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उन सब के लिए भी। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ ली और पूजा करी और सारे मंदिर की परिक्रमा करी गाइस, और हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था, ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा ठंड थी, नॉर्मल नॉर्मल था। तो देख सकते हैं ये बड़ा सा हवन कुंड है यहाँ पे, हमने इसके चारों तरफ घूमे और मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही थी, मैं मम्मी के पीछे पीछे जा रही थी और उनकी वीडियोस ले रही थी, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा था कि मैं आपको दिखा सकूँ वीडियो के माध्यम से कि हमने यहाँ पे क्या क्या किया। और गाइस, यहाँ पे इतना बंदर थे ना कि गाइस, हम जब खा रहे थे तो उस समय बंदरों ने अटैक करके हमारा आधा खाना ले गए थे तो यहाँ पे बंदरों की कोई कमी नहीं है। तो जब आप यहाँ पे आओ, खाना लेके आओ, तो बंदरों से सावधान रहना, मेरी एक एडवाइस है आप सबके लिए। तो गाइस, पहाड़ों में आपको बंदर की कोई कमी नहीं दिखेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना क्राउड है, यहाँ पे दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं गाइस। और यहाँ पे सामने से एक बर्फ़ की चोटी भी दिख रही थी, बहुत सुंदर दिख रही थी, पूरे बर्फ से ढकी हुई थी। यहाँ पे तो बर्फ़ नहीं पड़ी थी लेकिन सामने वाली पहाड़ पे पड़ी थी। और देखो यहाँ पे हमने बहुत मस्ती करी, मतलब बहुत पूजा पाठ भी करी, और जैसे हम मतलब ग्रुप में आते हैं तो मस्ती भी हो ही जाती है गाइस। तो उसके बाद हमने खाना लगा दिया था और कुछ खाना हमारा
अगर आप खाना खाने बैठ जाओ तो एक बार अपना सर यहाँ वहाँ घुमा लेना, कहीं आपके खाना बंदर उठा के ना ले जाए। हमारा खाना तो बंदर उठा के ले गए थे, तो गाइस हमारी पूरियाँ थी गाइस स्पेशली वो ले गए थे। तो फिर हमने यहाँ पे खाना खाया फैमिली के साथ और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारी पिकनिक भी हो गई और हमने माता के दर्शन भी कर लिए। तो इसके बाद हम फिर से एक बार मंदिर में गए, वहाँ पे बैठे थोड़ी देर, और क्योंकि बच्चों ने कहा एक बार फिर से चलते हैं, तो देख सकते हैं दोबारा से हम मंदिर में आ गए गाइस। तो ये आज का हमारा छोटा सा अच्छा सा ब्लॉग है। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। दोस्तों आपका प्यार सपोर्ट मिले बहुत बहुत कीमती है, जो कि मैं अपने हर एक ब्लॉग में कहती हूँ। इसके बाद जहाँ से हम ऊपर गए थे वहीं पे आ चुके हैं और गाड़ी में भी बैठ चुके हैं, और काफ़ी रात हो गई थी गाइस। तो देख सकते हैं ये रात का मैंने वीडियो बनाई है गाइस, क्लियर नहीं आ रही होगी लेकिन मैंने फिर भी बना दी थी वीडियो, क्योंकि हमारा काम तो है वीडियो बनाना। तो फिर गाइस जल्दी से मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।